इमेजिन दिस कि आप जिम में एंटर करते हैंजी फुल ऑफ फोकस एंड यू आर किलर वर्कआउट बट लाइफ आइडियल नहीं है मोस्ट ऑफ द डेज पे आप टायर्ड होते हो आपका जिम जाने का मन नहीं होता और अगर आप जिम चले भी गए तो वहां जाके आप फोकस नहीं कर पाते हो एंड ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू अफेक्टिव वर्कआउट तो ऐसे ही दिनों के लिए एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपको एनर्जी फोकस बढ़िया वाला पंप और एक अच्छे वर्कआउट की सेटिस्फैक्शन दे सकता है दैट इज अ गुड प्री वर्कआउट इस चैनल पे हम प्रोडक्ट रिव्यूज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफी बात करते हैं तो अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तो ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो आपको वर्कआउट में सपोर्ट करते हैं जैसे कैफिन वाइटामिन एंड मिनरल्स और इनमें से हर एक इंग्रेडिएंट आपको डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कैफीन हमारी बॉडी में जाकर डोपोमिन न्यूरो की सिक्रीशन को इंड्यूस करता है उसे प्रेरित करता है जो हमें अलर्ट रहने में फोकस रहने में एंड कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है क्रेटीन हमारी बॉडी में एटीपी यानी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है ऑल्सो क्रेटीन हमारे स्ट्रेंथ एंड पावर आउटपुट को भी बढ़ाता है एंड हमारी मसल्स में इंट्रा इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है जिससे हमारी मसल्स को एक फुलर लुक मिलती है बीटा एलिन वेरी इंटरेस्टिंग अमाइनो एसिड इसी को लेने से आपको वो टिंगलिंग वाली फीलिंग होती है प्री वर्कआउट पीने के बाद जिसे हम पैरस्थीजिया कहते हैं विच इज नॉट एट ऑल हार्मफुल बीटा आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है क्योंकि एक बफर एजेंट की तरह काम करके लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को डिले करता है जिससे आपका डिले होता है, होता है, का, में होता है। दोनों ही में, नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती है उनमें ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है एंड आपको जिम में एक अमेजिंग पंप देखने को मिलता है इतना ही नहीं इनफैक्ट ये आपकी मसल्स में ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रीएट की सप्लाई को भी बढ़ाता है जिससे आपकी रिकवरी भी इंप्रूव होती है इसके अलावा आपके प्री वर्कआउट में एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे जैसे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डबल ए जो आपकी ओवरऑल रिकवरी स्ट्रेंथ स्टेमिना मसल क्रैम्पिंग एटसेट्रा को इम्प्रूव करते हैं सो हाउ टू चूज द राइट प्री वर्कआउट द बेस्ट एडवाइस वुड बी कि आप अपने वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से ही अपना प्री वर्कआउट चूज करें जैसे कि एक बिगिनर है जिसकी एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लाइट होती है तो उसे कम डोजेज या फिर एक लाइट प्रीवर्कआउट से शुरू करना चाहिए एंड जैसे उसे एक्सपीरियंस होता जाता है उसके वर्कआउट्स हार्डर होते जाते हैं वैसे ही वो अपने लिए एक प्री प्रीवर्कआउट या फिर एक हायर डोजेज को चूज कर सकते हैं ऑल्सो इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सो so दैट आप एक ऐसा वर्कआउट ना लें जिसमें कोई भी बैन सब्सटेंसेज एड किए गए हों सो so दैट आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो एक अच्छे प्रीवर्कआउट का एग्जाम्पल है न्यूट्राबे गोल्ड स्पार्क प्रीवर्कआउट दिस हैज नो स्टेड नो बैन सब्सटेंसेज एंड इट इज टेस्टेड फॉर प्योरिटी विच मीन्स कोई भी एथलीट या इवन नॉवल पर्सन भी इसे बहुत ही सेफली बिना किसी चिंता के कंज्यूम कर सकता है ऑल्सो आपके प्री वर्कआउट में किसी भी इन्ग्रीडियंट की जो डोजेज है वो सेफ लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अदरवाइज इट कैन लीड To a lot of For example, अगर मैं कैफीन की बात करूँ तो जो सेफ लिमिट है कैफीन की दैट इज अराउंड थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड एमजी पर डे लेकिन आपको बहुत सारे प्रीवर्कआउट ऐसे मिलेंगे जिसमें कैफीन हिडन फॉर्म में डाला जाता है फॉर एक्जाम्पल उसमें कैफीन तो लिख दिया होगा लेट से थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड एमजी लेकिन Then, other की भी मात्रा लिखी हुई होगी विच कैन एक्सीड द सेफ लिमिटवाइ करूंगा एंड सिर्फ एक सर्टिफाइड प्री वर्कआउट लेथेंटिक सेलर से जैसे न्यूट्राउंडउट कहां से खरीदे इसके लिए आपको जाना है न्यूट्राबे की वेबसाइट पे जहाँ पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ प्री वर्कआउट देखने को मिलेंगे फ्रॉम टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स वैसे हमारी रिकमेंडेशन है न्यूट्राबे गोल्ड स्पाक प्रीवर्कआउट एंड एथलैब हाइपर प्रीवर्कआउट या प्रीवर्कआउट लेना सेफ है प्री वर्कआउट लेने के साथ ही हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सो so दैट आप डिहाइड्रेशन मसल क्रांप्स एटसेट्रा को अवॉइड कर सके सेफ लिमिट्स या फिर रिकमेंडेड डोजेजेस को सरपास करना अवॉइड करें। अगर आपको कोई हॉर्मोनल इश्यू है स्पेशली अगर आप एक फीमेल है तो प्री वर्कआउट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें सिंस एक प्री वर्कआउट में कैफीन बहुत ही हाई होता है तो इसे अपने सोने के टाइम से कम से कम छह से आठ घंटे पहले लें अदरवाइज आपको सोने में दिक्कत आ सकती है अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है तो प्री वर्कआउट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू गो अबाउट अपनी सारी हेल्थ एंड फिटनेस नीड्स के लिए न्यूट्राबे ऐप को अभी डाउनलोड करें